नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात राष्ट्र के एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट के पीछे बड़ा सवाल है, हाथ किसका है? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र पर कट्टरपंथी भारी पड़े हैं? क्या इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया? क्या इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है? बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और देश की कमान सेना के हाथों में है। फिलहाल शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है, देश भी छोड़ना पड़ा है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर तख्ता पलट के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, पीएम आवास का घेराव किया है। प्रदर्शनकारी इतने आक्रोशित है कि पीएम आवास में घुस गए, तोड़फोड़ की है। वहां मौजूद सरकारी सामान को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। यह आप देखिए, पीएम हाउस में लूट का मंजर है। किस तरीके से पीएम हाउस के अंदर घुसे और जो मिला, जो वहां पर बतख रखे हुए थे, जो तालाब बनाए गए हैं पीएम हाउस में, उन बतखों को लेकर चल दिया, वहां के फर्नीचर्स को लेकर चल दिया, वहां जो मवेशी पाल कर रखे हुए थे उनको वहां से लेकर चल दिया। तो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि पीएम आवास में हजारों प्रदर्शनकारी घुस गए और उसके बाद ऐसा लगा जैसे वो उनका अपना घर हो या फिर टहलने वाली कोई जगह हो। ये तस्वीर आप देखिए, ये बेडरूम है, बेडरूम में, और ये बैठने की जगह है जहां से कुर्सियों को लेकर चल दिए, बेडरूम में घुस गए। ये प्रदर्शनकारी हो सकते हैं क्या? ये आंदोलनकारी हो सकते हैं क्या? ये कट्टरपंथी हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पीएम हाउस में ऐसे घुस गए जैसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो खड़े हों। और ये तस्वीर आप देखिए, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, बांग्लादेश के बनने में जिनकी भूमिका, उनके इस विशाल प्रतिमा पर चढ़कर हथौड़े से मार मार कर तोड़ दिया शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को। तो ये बांग्लादेश की भलाई के लिए सोचने वाले लोग हो सकते हैं? सीधी सी बात है, नहीं। आगे कैसे पाकिस्तान आईएसआई का हाथ है, किस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी छात्रों के बीच में घुसे हुए थे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ढाका की सड़कों पर किस तरीके से हजारों प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन लोकतंत्र में करना चाहिए, लेकिन देश को नुकसान पहुंचा देंगे, तोड़फोड़ मचा देंगे, आगजनी इस लेवल पर कर देंगे कि देश की इमेज बचेगी नहीं वैश्विक प्लेटफॉर्म पर, तो इस तरीके से प्रदर्शन होता है क्या? लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में। और आज जब ये खबर आ गई कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी है, देश छोड़ रही है, तो विक्ट्री परेड के नाम पर ये लोग निकल लिए। इनके बीच में ये सभी प्रदर्शनकारी नहीं, इनके बीच में कैसे जमाते इस्लामी नाम का वहां का प्रतिबंधित संगठन घुसा हुआ था, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। और आगे जब हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे तो उनसे मैं आपको समझवाऊंगा कि दरअसल बांग्लादेश के पीछे साजिश किसकी हो सकती है। लेकिन यह तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर सामने आई जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तुरंत पहुंची, आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां पर खड़ा हुआ था और इसी हेलीकॉप्टर की मदद से उन्होंने ढाका को छोड़ दिया। कैबिनेट की आपात बैठक थी और बैठक के बाद जल्दबाजी इतनी थी कि एक एड्रेस तक वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि राष्ट्र के नाम कोई संदेश दे पाए। अफरा तफरी में आप देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया और उसके बाद तुरंत वो ढाका से निकल गई। खबर यह है फिलहाल भारत की वायु सीमा में है, हो सकता है कि हिंदुस्तान में कहीं रिफ्यूलिंग हो और लंदन जाने की उनकी खबरें हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं जब पीएम हाउस में लोग घुस गए थे, बैरिकेडिंग तोड़कर घुस गए थे, पीएम हाउस के लॉन में घुस गए थे, पीएम आवास के बेड पर आप देखिए किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं। तो ये लोकतंत्र समर्थक हो सकते हैं क्या? सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट की नौबत क्यों आई, क्यों लोकतंत्र का गला घोटा गया, क्या कट्टरपंथी ताकतों के आगे लोकतंत्र को झुकना पड़ा? सवाल यह भी है कि आखिर इस तख्ता पलट के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ है, क्या पाकिस्तान आईएसआई की शह पर जमाते इस्लामी इस तख्ता पलट के पीछे है? 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद से बांग्लादेश ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत की थी। लेकिन फिलहाल जो ग्राफिक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जमाते इस्लामी और इसका एक छात्र संगठन है इस्लामी छात्र शिविर, जिस पर कुछ दिनों पहले ही प्रतिबंधित लगा हुआ है, रूस से भी प्रतिबंधित है। ऐसा संगठन है एक मुल्क का जो उसी मुल्क के बनने और उस मुल्क की स्वतंत्रता के खिलाफ था। जब बांग्लादेश को लेकर लड़ाई 1971 में चल रही थी तो जमाते इस्लामी नाम का यह संगठन जो आईएसआई के इशारे पर ऑपरेट करता है और उसका एक छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर जो जमाते इस्लामी के हिसाब से ऑपरेट करता है, जो आईएसआई के कहने पर ऑपरेट करता है, जमाते इस्लामी नाम का यह संगठन 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ था। यह नहीं चाहता था कि बांग्लादेश बने। माना यह जा रहा है कि छात्रों के बीच में यह इस्लामी छात्र शिविर के लोग घुसे हुए थे और इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने फैसला लिया था कुछ दिनों पहले कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगेगा। इन दोनों संगठनों पर, जमाते इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर पर, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ यहां पर तख्ता पलट चाह रहे थे,
ये बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले के पीछे भी इसी संगठन का हाथ है और पिछले 11 साल में औसतन 4000 से ज्यादा हमले हुए हैं। 1975 में सैन्य तख्ता पलट ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। 1991 में संवैधानिक संशोधन के जरिए इसे बहाल किया गया था। बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हुई थी और अब 2024 में एक बार फिर से तख्ता पलट हो गया। लोकतांत्रिक सरकार को कट्टरपंथियों के सामने झुकना पड़ा। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान भी हत्या कर उनकी भी हत्या की गई थी, तख्ता पलट किया गया था और इस बार बेटी शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान के हाथ होने की बात क्यों सामने आ रही है और क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान आईएसआई इसके पीछे है, इसे भी समझिए। आरोप यह है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे जमात इस्लामी का हाथ है। जमात इस्लामी एक संगठन जो कि बांग्लादेश के वजूद के ही खिलाफ जो रहा है। आग यानी तोड़फोड़ हुई है, आग लगने की तस्वीरें सामने आई है, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई है, उसके पीछे जमात इस्लामी के लोग हैं। हिंदुओं पर हमला जो बांग्लादेश में हुआ है 2013 से 2022 तक, एक आंकड़ा यह है कि 3600 हमले हुए हैं और इन हमलों में कहीं ना कहीं से जमात इस्लामी के लोग शामिल हैं, वो हिंदू जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं। 2018 में हाईकोर्ट ने बांग्लादेश यानी ढाका में जो हाईकोर्ट है उस हाईकोर्ट ने जमात पंजीकरण रद्द कर दिया था और यह कह दिया था कि यह संगठन इस लायक नहीं है कि बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया में कहीं से भी यह शामिल हो सके, इसलिए इसका पंजीकरण रद्द किया जाता है। स्वतंत्रता का विरोधी रहा है जमात इस्लामी, बांग्लादेश बनने का विरोध कर चुका है 1971 में, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था, जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, बांग्लादेश के बनने की लड़ाई चल रही थी तो यह संगठन बांग्लादेश में रहकर पाकिस्तान के साथ था। तो इस तरीके का यह संगठन और इस तरीके का इसका इस्लामिक छात्र शिविर नाम का यह संगठन रहा है, तो यह इस संगठन की बैक हिस्ट्री है। तो सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, तो क्या इसके पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान है, क्या इसके पीछे आईएसआई है, और इन्हीं सब ने मिलकर बांग्लादेश को अस्थिरता की आग में झोंक दिया। ये तस्वीरें देखिए, पीएम हाउस में लोग घुस गए, तोड़फोड़ की, बेड पर जाकर वहां पर लेट गए आराम से, टीवी जो मिला लेकर चल दिए, कुर्सियां वहां से लेकर चल दिए, जो अंदर तालाब बना हुआ था, जो वाटर बॉडी थी उस वाटर बॉडी में वो घुसकर नहाने लगे। ये तस्वीर आप देखिए कैसे सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन ठीक बात है, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन होता है क्या? ये तस्वीरें देखिए एक बार जरा बड़ी स्क्रीन पर, इस तस्वीर को आप दिखाइए, आप ये आप देखिए, ये विमान, ये फ्लाइट रडार है जिस विमान के जरिए ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी भारत की वायु सीमा में है। यहां पर आपको कानपुर दिख रहा है, ये लखनऊ है, ये बाराबंकी है, यहां से अभी शेख हसीना का विमान आगे चल रहा है और माना यह जा रहा है कि भारत में कहीं अभी रिफ्यूलिंग होगी और रिफ्यूलिंग के बाद इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि शेख हसीना लंदन चली जाएं और वहां पर फिलहाल शरण लें, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। भारत की वायु सीमा में फिलहाल शेख हसीना का विमान और फ्लाइट रडार के जरिए इसकी तस्वीरें कि अभी ये लोकेटेड कहां पर है, आप ये देखिए लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल ये जामा मऊ के आगे, अहमा मऊ के आगे ये बढ़ता हुआ और ये हिंदुस्तान में रिफ्यूलिंग करके जो खबरें आ रही हैं वो लंदन की ओर जा सकता है, वहां पर शेख हसीना जा सकती हैं। इससे पहले भी एक बार निर्वासित जिंदगी उन्हें गुजारनी पड़ी है, तो ये फ्लाइट रडार के जरिए कहां है शेख हसीना का विमान, ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। चलिए अब तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय इनसे करवाता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईडीएसए से, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिबाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश नैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड कर्नल, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे शुरू करता हूं, थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा चल रही थी, ये तस्वीर जो आई है और जमात इस्लामी का जो हमने जिक्र किया, इस्लामी छात्र शिविर जो कि उसका छात्र संगठन है, यूनिट है, जो कि खुद बांग्लादेश के वजूद का विरोध रह चुका है 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ जो था, माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता आई है उसके पीछे यह संगठन है, तो क्या यह सीधे से कहा जा सकता है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया? मेरा सीधा सवाल। थैंक यू वेरी मच, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये कट्टरपंथी का काम है, इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है और ये हम धारणा गलत थी हमारी, हम बीच बीच में सोचने लगते थे कि ये हम बहुत क्लोज आ गए हैं। सबसे ज्यादा अगर डेन्यूडेशन हिंदुओं की हुई है पिछले कुछ दो डिकेड्स में तो हिंदुओं की बांग्लादेश में हुई है, जितनी पाकिस्तान में नहीं हो रही है बांग्लादेश में हो रही है, और जितना माइग्रेशन लॉलेस एलिमेंट्स जो बांग्लादेश से हुए हैं इंक्लूडिंग रोहिंग्या
ये सारे के सारे हो रहे हैं, ये टिकरी चुपड़ी बातें दूसरी होती हैं, जो सच्चाई दूसरी होती है। जो कट्टरपंथी रूल जो आ रहा है बांग्लादेश में, वो नहीं चाहता था कि जो ये शेख हसीना का जो रवैया था, उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो ताकत में आए। 1971 के जो सुरक्षा, उनको सीधे सुरक्षा की हुई है, वो सारा का सारा उनको पसंद नहीं था। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से आग में झुलस रहा है। प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि चाइना अब ताकतवर यहाँ पे बनेगा। पाकिस्तान और चाइना ताकतवर बनेगा। चाइना तो ऑलरेडी देख रहा था कि उसको कैसे और बेसिस मिल जाए ताकि वो ऑफसेट कर सके जो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू आना पड़ता है। वो चाइना वो देखेगा और पाकिस्तान चाहेगा कि अब उसका घर बन जाए। ये हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बॉर्डर पे ही नहीं आएगा। इतने बांग्लादेशी घुस गए हैं इंडिया में, अब उनका हमको ब्यौरा लेना पड़ेगा, कौन कहाँ पे है, कैसे है। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो नहीं है, वो ये है, वो कश्मीर तक पहुंचे हुए हैं ये रोहिंग्या। ये हमारे को अब सबसे ज्यादा तंग करेंगे। ये आप देखेंगे जी, एक नया सवाल, एक नई बहस आपने छेड़ दी। और आप जो कह रहे हैं कि उनकी डिटेल लेनी पड़ेगी, अभी रोहिंग्याओं का नाम ले लीजिए तो कई राजनेता ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होने लगता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। वो हो सकता है कि ये एक नया मोर्चा खुल जाए। रियलिटी है जी, रियलिटी तो यही है। आप पॉलिटिकल कहिए या ना कहिए, पर ये रियलिटी है, ये प्रॉब्लम आएगी। अरे शेख हसीना अगर लंदन जाती है, चाहे पोलैंड जाती है, चाहे नॉर्वे जाती है, उसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमारी सिक्योरिटी का पड़ रहा है। यहाँ पर हमको उसकी ज्यादा चिंता है। शेख हसीना दिल्ली में बिल्कुल सेफ रहेगी, अगर रही तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर वो सोचती है कि वो अपना गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाएगी, लंदन जाके कुछ करेगी, वेल शी कैन डू दैट ऑल्सो। पर वो बात बिल्कुल फर्क है। हमारी सिक्योरिटी का जो मेजर प्रॉब्लम आई है और जो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वहां हो रहा है, उसकी जवाबदारी हमें चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपने दो बातें कही हैं सर। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं चाहता हूं यहीं से जो दो शब्द मुझे सबसे ज्यादा लगे, ये कह सकते हैं, एक तो ये कि हिंदुओं पर हमला, तो इस्लामिक कट्टरपंथ किस तरीके से बांग्लादेश में फैल चुका था, वो अब हावी किस तरीके से हो चुका है, ये बात को साबित कर रहा है। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जमात इस्लामी जो पाकिस्तान के इशारे पर ऑपरेट करता है, इसका ताकतवर होना। मैं चाहूंगा सर 30 सेकंड में आप ये बातें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि एक एक मैं चाहता हूं कि सबका वर्जन सामने आ जाए। संजीव जी, आपकी आवाज म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, ये बांग्लादेश के लिए आपातकाल का समय है। बांग्लादेश में हाल के समय में, दशकों में, एक जो शांति की स्थिति रही है, जाहिर है कि अब उसमें एक बड़ा जो है बड़ा संकट पैदा हो गया है। और ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए भी चुनौतीपूर्ण समय है। इस पूरी जो घटनाक्रम सामने आया है, उसके पीछे मैं गहरी साजिश देखता हूँ, जिसमें कि बांग्लादेश के अंदर के जो कट्टरपंथी तत्व हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो विदेशों में बैठे हुए जो आतंक के और इस तरीके की साजिश करने वाले जो आका है, विशेष रूप से जो पाकिस्तान में जो वहां के एजेंसीज हैं, चाइना का भी इसमें हाथ हो सकता है। इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हाल के समय में आपने देखा था कि बांग्लादेश और चाइना के जो संबंधों में किस तरीके का हराश हुआ था। शेख हसीना अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर चली आई थी। तो ये जो पूरी साजिश है, ये एक घरेलू और विदेशी स्तर पर रची गई दिखाई देती है। और ये शेख हसीना की सरकार को टारगेट करने की और उनको गिराने की जो एक उनकी मंशा थी साजिशकर्ताओं की, ऐसा लगता है कि उसमें अब वो सफल हो गए हैं। नहीं नहीं, सफल हो ही गए हैं, लगता क्या है सर। संजीव जी, वो तो सफल हो गए हैं। अश्विनी शिवाजी तो जो तस्वीरें सामने आई हैं, पीएम हाउस में ऐसे घुस गए जैसे लग रहा है कि किसी के गली की कोई जगह हो, कि जहां जब मनाए तब चले गए, बेड पर जाकर लेट गए, कुर्सियां उठाकर लेकर चल दिए, वाटर बॉडी में जाकर घुस गए। तो ये लोकतंत्र के समर्थक तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी राय है। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, जिस जमात इस्लामी का बार बार जिक्र हो रहा है और जिसे दो तीन दिन पहले ही अभी प्रतिबंध लगा है और 14 पार्टियों की सहमति थी, वो जमात इस्लामी ISI के इशारे पर कैसे ऑपरेट करता है ये दुनिया जानती है, बार बार साबित हो चुका है। तो किसका हाथ था ये भी दुनिया देख रही है।
देखो सच्चाई ये है कि 5 साल से ज्यादा हो गया कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई, और उसका मिलाप हो गया था बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया से, और बीएनपी आईएसआई का ये गढ़ बनता जा रहा था। तो ये अब से नहीं, ये लास्ट 5 साल से वो कोशिश कर रहे थे। और ये जो अभी स्टूडेंट का जो आंदोलन है, स्टूडेंट का आंदोलन कम, इसमें उग्रवादी ज्यादा थे। ये सच्चाई है कि जो कुछ हुआ है श्रीलंका में, ये ऐसा लगता है कुछ रिपीटिशन है, जो बांग्लादेश में रिपीटिशन है श्रीलंका का, जिस प्रकार से श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में भी लोग घुस गए थे। ये जो भी हुआ है ये सारा का सारा जमाते इस्लामी ने कराया है, और इसके लिए इन्होंने जो स्टूडेंट्स को उकसाया है, जो ये स्टूडेंट की कोटा डिमांड थी, ये डिमांड जो है 2018 में ही एक प्रकार से इसी शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया था। ये जो स्टार्ट हुआ है ये दोबारा हाई कोर्ट के जजमेंट से आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम करके 5% कर दिया था, मगर फिर भी ये रुक क्यों नहीं रहा था। उसकी दो वजह है। एक तो वजह ये है कि जमाते इस्लामी और जो आईएसआई और बीएनपी का जो गढ़ था, वो चाहते हैं कि कहीं किसी तरीके से जो शेख हसीना गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं निकाला जाए, और उन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काया है। तो ये आंदोलन किया है, ये कोई ऐसा कोई ये सोची समझी साजिश के तहत है, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर कोई डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में तो वो शेख हसीना के टाइम में हुई है। लास्ट 15 साल में जिस प्रकार से बांग्लादेश की इकोनॉमी ने अच्छा किया है, हाँ ये भी सच्चाई है, वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट थे, और ये भी सच्चाई है कि किसी समय में 23% हिंदू वहां होते थे, आज वो घट के 7 से 8% रह गए हैं। और यह भी सच्चाई है कि वहां पर एक प्रकार जो आपका मालदीव के अंदर चला था इंडिया आउट और एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, मगर सबसे अच्छी बैट अगर भारत के लिए थी वो शेख हसीना थी, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट एक तो भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, एक उसने जो इकोनॉमी में बढ़ावा किया अपने देश में वो काबिले तारीफ है। मगर अब अनफॉर्चुनेटली ये जो जमाते इस्लामी जिसने साथ दिया था पाकिस्तान की आर्मी का 1971 में, आज वो सफल हुई और आईएसआई ने उसकी बहुत मदद की, और ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की है, जो कि जिसके फाउंडर फादर थे लेफ्टिनेंट जनरल जिया, जिसको भी मार दिया गया था, ये एक हिस्ट्री है बांग्लादेश की पाकिस्तान के बाद वहां पर इस प्रकार के कार्रवाई। मगर ये सच्चाई है कि आगे क्या होगा ये हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट देश बांग्लादेश है। अब तो जो जिस प्रकार से जो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट फोर्स बनाएगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, ये यकीन करना है कि कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया हो, वो भारत के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये आंदोलन चला है जमाते इस्लामी और आईएसआई ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, अब कैसे शांति आएगी ये समय बताएगा। जब शेख हसीना की बात आती है वो कहां जाएंगी? देखो शेख हसीना भारत में नहीं रहेगी, अगर वो भारत में रहती है तो ये आक्रोश भारत के अगेंस्ट आ जाएगा, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि भारत जो बांग्लादेश का नेबर है, तो मुझे लगता है या तो वो लंदन जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी। भारत ने उसकी ये मदद की है कि भारत में वो आ पाए और वहां से फिर उसकी मदद करके जाए, क्योंकि भारत के साथ जो है शेख मुजीबुर रहमान के भी रिलेशन बहुत अच्छे थे, जो कि एक फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश का, और शेख हसीना जो उनकी लड़की है जिसने 15 साल से ज्यादा रूल किया और बांग्लादेश को तरक्की के एक प्रकार मुहार पे ले गई, अनफॉर्चुनेटली उनको छोड़ना पड़ा, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो इकोनॉमी अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं जमाते इस्लामी और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने नहीं, ही ये लेकिन एक सारा समस्या ड्रामा है सर, क्रिएट किया। मैं जीजे सिंह सर आपके पास आता हूं, एक समस्या है और जो बात कह रहे हैं शिवाजी, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी, तरक्की हुई इधर बीच, तो एक बात तो तय है कि इन कट्टरपंथियों को तरक्की से कोई मतलब नहीं होता है, वरना ये पीएम हाउस में ऐसे नहीं घुसते, बेड पर ऐसे नहीं आते, नहीं होते। जो प्रथम राष्ट्रपति है शेख मुजीबुर रहमान, जिनका बांग्लादेश के बनने में बड़ा योगदान, उनकी मूर्ति को हथौड़े से मारते नहीं, तो इन कट्टरपंथियों को ना तो तरक्की से मतलब है, ना तो विकास से मतलब है, और ना तो अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है उससे मतलब है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा पर चलना चाहते हैं और जिसकी कठपुतली है उसके इशारे पर चलते हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे मैं बांग्लादेश को समझता हूं, क्योंकि मैं वहां पे कुछ 8-9 महीने रहा भी हूं, क्योंकि मैं नेवी को छोड़ के मर्चेंट नेवी में चला गया था, तो मेरा काफी उनके पोर्ट्स में जाने का मुझे काफी मौका मिला। जी पहली बात मैं एक पक्की करनी चाहता हूं, जो पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, मैंने खुद
आंखों से देखा है कि वहां पे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है, उनकी छोटी छोटी बेटियों को उठा के ले जाते हैं ये जमाती इस्लामी वाले, ये जो बीएनपी और इसके पीछे खलीदा जिया जो है, जो दुश्मन है इसकी शेख हसीना की, खलीदा जिया जो एक मेजर जनरल की वाइफ थी और मेजर जनरल जो था वो पाकिस्तान आर्मी का एक जनरल था बांग्लादेश आजादी मिलने से पहले, और वो प्रो पाकिस्तान था। और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, उसने उकसाया है, इंसाइट किया है, इंस्टिगेट किया है। ये जो आप बात कर रहे जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी और जो गुट है एंटी शेख हसीना, उसकी सपोर्ट है पूरी जिया खलीदा जिया की, और ये लोगों ने मिलके टेररिस्ट की तरह उसके आज पैलेस के ऊपर जहां वो घर था उसके ऊपर हमला किया, और आगे वाली तस्वीर तो आप जानते कैसे लूट मार वहां से कर दिया, लूट के लेके जा रहे हैं। और ये जो काम किया जा रहा है इसके पीछे पाकिस्तान चाइना का हाथ है। आप ये मत भूलिए कि ये आईएस का रूट है इंडिया को आने के लिए, यहां आतंक फैलाने का वो वाया बांग्लादेश है, वो सिर्फ जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वहां से नहीं आते, उनका मेन रूट है बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और उनके हाथ में नहीं। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, आईएस के आने का रूट है, फिर तो जितने घुसपैठिए आकर यहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी शुरुआत, चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी ने की थी, मैं वहां पर फिर लेकर जाऊंगा इस चर्चा को कि यह संकट हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा है और इस पर कम से कम यहां के नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए कि यह घुसपैठिए की जो समस्या है इसको जड़ से उखाड़ फेंके, वरना आतंक यहां घुसा तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से इस वक्त की, बड़ी खबर है सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल अंतरिम सरकार को लीड करेंगे। जो वहां के सेना प्रमुख ने कहा था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, फिलहाल मैं टेक ओवर कर रहा हूं और आगे पार्टियों को बुलाए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, तो अब खबर यह आ रही है कि सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल अंतरिम सरकार को लीड करेंगे। बांग्लादेश के जाने माने राइटर हैं सलीमुल्लाह खान, तो इस वक्त की बड़ी खबर है इंटरिम गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा शेख हसीना के बाद, यह खबर भी आ गई है। तो ये आपने देखा नैन साहब, ये जो दो नाम आए हैं अगर इनके बारे में आप कोई जानते हो, और दूसरी बात है कि ये समस्या कितनी बड़ी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये रूट आईएस का घुसने का हिंदुस्तान में। देखिए राकेश, अगर आपको याद हो केरला के अंदर जब हम लोग आईसीस के कुछ केसेस को पकड़ रहे थे, पिछले साल की बात है, डेढ़ साल पहले की बात कर रहा हूँ, और जब श्रीलंका के अंदर भी एक केसेस सामने आए थे, तो उस टाइम पे बड़े स्तर के ऊपर ये कहा गया था कि एक मॉड्यूल ऐसा है आईसीस का जो कि बड़े स्तर के ऊपर बांग्लादेश में काम कर रहा है और इसको सपोर्ट करने वाला था जमात इस्लाम। चलो हम मान लेते हैं कि जमात इस्लामी अब से नहीं, जब से हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था तब से ही हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहा या मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ में रहा है, लेकिन कुछ कुछ हद तक अगर आप देखा जाए जो आज की सिचुएशन हुई है इसमें आवामी लीग और शेख हसीना भी जिम्मेदार हैं। 15 साल तक लगातार इन लोगों का वहां पे राज रहा, उस राज के दौरान काफी वहां पे इनकम्बेंसी आई और ये कहा गया कि इस बार जब ये लोग इलेक्शन जीत के आए थे तो आप देखिएगा पीछे बांग्लादेश में जो भी अगर आपके मित्र हैं उनसे बात करके कि बड़े स्तर के ऊपर इनके खिलाफ वहां पे रोष था लोगों में कि लोग कह रहे थे कि अगर ये रिगिंग नहीं होती इलेक्शन की तो इनकी 20 सीट आना भी मुश्किल था। उसके ऊपर जो है सोने पे सुहागा, आग में घी डालने का काम किया गया, जो कि ये मुक्ति वाहिनी के जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे थे उनका जो 30% आरक्षण किया गया। अभी 30% पहले आरक्षण करने के बाद आवामी लीग ने पहले तो कदम पीछे हटाए, फिर केस हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने इसको थ्रू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर थोड़ी देने की कोशिश की लेकिन आग जलती रही, इसके अंदर कुछ पीछे हटने का कोई बात हो नहीं पाई। और मैं आपको बताऊं 54% के करीब रिजर्वेशन है आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर। जो असली बांग्लादेश की प्रॉब्लम कहां पे, मैं वहां पे कील ठोकने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अंदर से 30% है राकेश, ये लोग जो स्वतंत्र सेनानी के बच्चे थे, 20% है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, 2% है जो क्या नाम शहीदों के हैं और 1% के हैं विकलांग के करीब का। तो ये तो 30% था, इसके पीछे जो पूरी की पूरी युवा बांग्लादेश की लगी उसका कारण ये था कि आज की तारीख में चाहे कोई कुछ भी कहे बांग्लादेश के अंदर भुखमरी है, जॉब्स नहीं है, लोग सड़कों के ऊपर हैं,
और उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। जो इनका थोड़ा बहुत उद्योग था वीविंग का, जो जो अमेरिका के साथ चल रहा था, उसमें भी काफी सेटबैक आए। और जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्शंस के बाद में, और जो ये सरकार थी अवामी लीग की, ये इतनी इतनी ज्यादा एरोगेंट हो गई थी, इतनी एरोगेंट हो गई थी, इनको लगा कि बस जनता है, हम तो जीत गए हैं तो 5 साल कट जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, और ये रोष बढ़ता चला गया, और ये रोष 15 दिन के अंदर, लास्ट 15 डेज में। नहीं नहीं नैन साहब, नैन साहब, नैन साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये रोष है, ये सिर्फ आक्रोश है लोगों का जो सरकार से नाराज है, या फिर ये कट्टरपंथियों की एक साजिश है, उन लोगों के बीच में घुसकर बांग्लादेश में आग लगा दी, उन्होंने इस्तेमाल किया इसको, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। 20 लाख लोग आतंकी नहीं हो सकते सड़कों पर खड़े हैं राकेश, यस 20 लाख लोग अगर आतंकी हो गए तो फिर बांग्लादेश रहेगा ही नहीं। ये लोग, ये स्टूडेंट्स है, इनके पीछे पूरा अवामी जमाते इस्लामी और जो कट्टरपंथी लोग है, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया, आग में घी जलाया। और सेना क्या कर रही थी पाकिस्तान की तरह से, सेना इस बार पाकिस्तान की सेना तो खुल के आगे आती है जब उनको मार्शल लॉ लगाना होता है, लेकिन यहाँ की सेना पीछे से काम कर रही है। आप भीड़ में देखिए, हर जगह सैनिक घूमते मिलेंगे जब तोड़फोड़ हो रही है, इससे पहले कि शेख हसीना माते भागी। पर कोई कुछ कह रहा है क्या भीड़ को? बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे। तो इस बार हर चीज का एक मतलब है, तो धीरे धीरे पर्दे खुल रहे हैं, पर्दा उठेगा। और जो अभी बता रहे थे आपके ये राइटर को, जो उन्होंने एंटरिम सरकार में लिया गया है, देखिए शेख हसीना को कौन बोलता है 45 मिनट में जाने के लिए? 45 मिनट का अल्टीमेटम किसने दिया? सेना ने। Yes. हेलीकॉप्टर किसने दिया? Yes. सेना ने। बिल्कुल सेना ने। बिल्कुल। उसके बाद में जब वो उड़ने वाली थी, उस टाइम पे दोनों जो पार्टियां थी, विपक्ष की और आवामी लीग की, उनके साथ में मीटिंग कौन कर रहा था? सेना अध्यक्ष। बाहर आके सेना अध्यक्ष ने क्या किया? जब सेना अध्यक्ष बाहर निकल के आते हैं, उसने डिसाइड कर लिया कि इनमें से किसी को मैं मौका नहीं दूंगा, एक एंट्रीम गवर्नमेंट बनाऊंगा, बिल्कुल जिन लोगों को लाइक करती जनता, और रूल मैं करूंगा, और बोल भी दिया अब कंट्रोल मेरा होगा। इसके बाद हमें क्या सोचना है इसके बारे में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, अब आपने कहा कि पर्दा खुल रहा है, तो डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, पर्दा पूरी दुनिया में खुल रहा है, और बार बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, चाहे अमेरिका चुनाव की बात हो, वहां पर इस बात का जिक्र बार बार होता है कि इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म की चर्चा हो जाती है। अगर इस पर कहिए तो कई सारे संगठन है जो कहने लगते हैं कि ये इस्लामोफोबिया, लेकिन एक समस्या है यहां पर, देखिए किस तरीके से जो कट्टरपंथियों की बातचीत है बांग्लादेश में, उन्होंने उथल पुथल कैसे मचाई, लंदन में क्या हो रहा है, वहां पर किस तरीके से कई जगहों पर दंगे हो गए, ब्रिटेन में ये हमने तस्वीरें देखी हैं, और भारत में भी एक चर्चा तो चल रही है कि घुसपैठिए यहां पर समस्या है, चाहे वो असम की बातचीत हो, चाहे झारखंड की बातचीत हो, और चाहे बंगाल की बातचीत हो। देखिए सबसे पहले जो बांग्लादेश में अभी जो फुटेज हमें दिख रहे हैं, ये फुटेज इस बात का संकेत तो नहीं देते हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी वहां के डेमोक्रेसी, जो पूरी की पूरी वहां का जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाकर के कब्जा कर लेना, ये लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस तरह के छात्र आंदोलन नहीं होते। छात्र आंदोलन की भी अपनी दिशा होती है, उसका अपना एक नजरिया होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पर एक फैक्टर है, चाइना फैक्टर है और पाकिस्तान फैक्टर है, इस पर कोई डिबेट ही नहीं कर सकते, इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब सवाल इस बात का आता है कि ये इस तरह के क्यों हो रहे हैं, हम उनको स्पेस क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर शेख हसीना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि जब 1 जुलाई से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सरकार को चाहिए था कि इस तरह के जो आउटसाइडर जो एलिमेंट्स है, जो उनको लगता है कि एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर पाई। दूसरा सवाल ये है कि चीन को और पाकिस्तान को थोड़ा सा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि बांग्लादेश आर्थिक प्रगति की राह पर चल चुका है। 15 सालों में जिस प्रकार से बांग्लादेश की जो दिशा और दशा बदली है, वो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, अब वहां विदेश इन्वेस्टमेंट की बात होने लगी थी, वहां पर मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही, और उसके लिए शेख हसीना लगातार भारत और चीन से, दोनों देशों से अपना संपर्क बना रही थी। अभी हमने देखा कि भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट की बात हो रही थी। तो इस तरह के जब देश आगे बढ़ता है, एक लाइन लेता है, तो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान और चीन करता है। चीन को कतई अच्छा लगता है कि भारत और बांग्लादेश एक अच्छी उसकी समझ विकसित हो, क्योंकि बांग्लादेश एक सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत के साथ, हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह कि साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में जो बांग्लादेश है, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और भारत बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सर, तो सर, सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। एक चीज जो आपने जानकारी दर्शकों को दी है, बहुत लोगों को पता भी होगा
कि पांच राज्य जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहीं पर एक मेरी छोटा सा सवाल है, उसको भी अपने जवाब में शामिल कर लीजिए। फिर ये कितनी कितनी बड़ी चिंता की बात भारत के लिए, उन राज्यों में कितनी चौकसी की ज्यादा जरूरत है। और मैं आगे, क्योंकि यहां से ये डिबेट एक्सप्लोर भी होगी कि उन राज्यों में चिंता, उन राज्यों में घुसपैठियों की बातचीत, उन राज्यों में इसकी चर्चा भी हुई है, मैं चाहूंगा इस बात को भी अपने 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 आप पॉइंट्स में शामिल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, यही भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में यही अंतर हो जाता है। बांग्लादेश की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इन आउटसाइडर एलिमेंट्स को रोक सके, लेकिन हिंदुस्तान अपनी सीमा को लेकर के, अपनी चौकसी को लेकर के पूरी तरह से कमिटेड है। भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत का सिविल सोसाइटी, जो मेरा आकलन है, हम इस बात को लेकर निश्चिंत है कि हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर सेफ रहना चाहिए और बॉर्डर में किसी प्रकार की मॉरलिज्म का जो मास्क, जो नैतिकता का मास्क, जो ियन मास्क है, वो कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी सीमाएं सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है। नैतिकता का जो चोला है, वो हम बाद में उस पर डिबेट कर लेंगे। तो जब असम पर घुसपैठियों की बात होती है, जब पश्चिमी बंगाल पर बात होती है, तो यहां पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप अपने आप में सक्षम है उनको संदेश देने के लिए, और इस तरह के किसी भी आउटसाइडर एलिमेंट को नहीं आना देना चाहिए, मुझे लगता है। आप प्रफुल्ल बख्शी जी, जो एक सवाल मैंने शुरुआत में किया था उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं सर दोबारा आपसे, और सवाल यह कि क्या इसमें दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कट्टरपंथी है, यह सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान मिल सकता है। बांग्लादेश में जो हालात है, जो तस्वीरें हैं, वो कह रही हैं कि अब इस पर बातचीत करिए, इसका समाधान निकालिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हम बहुत सारी जगहों में हम कह चुके हैं कि कट्टरपंथी का जो वेग चल रही है, जो वेव चल रही है, ये जिसको कि मैं साधारण लैंग्वेज में कहूंगा, रिलीजन के बीच में दरारें डालना और रिलीजन के थ्रू दरार डालना। देखिए, अगर आपको किसी जगह पे कंट्रोल करना होता है तो सबसे ज्यादा जो वेपन आता है वो रिलीजन आता है, और रिलीजन ही का इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश बड़ी शांति शानदार कर रहा है, और अब देखिए पाकिस्तान को रुझाने के लिए वो रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा है, चाइना को लेके आ रहा है। चाइना के पास में कोई रिलीजन नाम की चीज नहीं है, वो चाइना का इस्तेमाल कर रहा है, और चाइना उससे मतलब वो दुधारी तलवार से खेल रहा है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बांग्लादेश की पॉलिसी को समझ जाना चाहिए। ये बांग्लादेश की पॉलिसी, आपकी फौज से डर के वो उनके आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे पेश आते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे बड़े मुरीद हो गए हैं। ये बिल्कुल हमको सोचना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा कोई हम भारत को हेट करता है तो बांग्लादेश में हेट वेव ऑफ हेट्रेड चल रही है इस समय, और इस यही है डाउनफॉल। प्रफुल्ल जी, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकता हूं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई है, कैसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और जो मिला उससे आग के हवाले कर दिया। तो छात्र आंदोलन अपनी जगह है, बड़ी तादाद में है ये निश्चित तौर पर है, लेकिन जैसा हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे कट्टरपंथी है, इसके पीछे जमात इस्लामी है, उसका जो स्टूडेंट यूनिट है, इस्लामिक छात्र शिविर, जो कि दोनों ही प्रतिबंधित हो गए हैं बांग्लादेश में, वहां की हाई कोर्ट ने पंजीकरण रद्द कर दिया है, जो खुद बांग्लादेश के बनने के विरोधी रहा है जो संगठन, और ये कहीं और की नहीं है कि ढाका के किसी कोने में या बांग्लादेश के किसी और हिस्से में ये आगजनी हो रही होगी। ये पीएम हाउस के सामने की ये तस्वीर है, वहां पर इस तरीके से आगजनी हुई है, पीएम हाउस के अंदर घुस गए, बेड पर जाकर लेट गए, वाटर बॉडी में घुस गए, कुर्सी मिली उसे उठाकर चल दिया, टीवी देखी उसे उठाकर चल दिया। तो ये इस तरीके से अपने मुल्क को तहस नहस कर दीजिए, ये कहीं का छात्र नहीं चाहेगा और बांग्लादेश का भी नहीं चाह रहा होगा, लेकिन उसके पीछे कौन सी ताकतें उनका भेजा इस्तेमाल कर रही हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। आप प्रफुल्ल बख्शी जी, अपनी बात पूरी करिए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अब भारत को सारी कंट्रीज के साथ मिलके, जो कि न्यूट्रल अप्रोच है, जिनकी यही प्रॉब्लम जो देखी जा रही है मिडिल ईस्ट में, यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, हमको अब रिलीजियस हेड्स का एक जमावड़ा बनाना पड़ेगा, एक मीटिंग करानी पड़ेगी, और सारे के सारे जो रिलीजियस हेड्स हैं, राइट थिंकिंग मॉडरेट थिंकिंग रिलीजियस हेड्स को मिलके एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी का मतलब है एक एग्रीमेंट, थोड़ा तब तक ये नहीं करेंगे ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जो रिलीजियस एलिमेंट है सारे इकट्ठे होकर इसराइल से लड़ रहे हैं, जो इसराइल की लड़ाई और जो बाकी कट्टरपंथियों की लड़ाई क्या है, जो ईरान के साथ में है वो यही है, टोटल ये है
जो यहाँ शुरू होने वाली है, अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है सर, आप अश्विनी शिवाजी जो बातें संदीप त्रिपाठी ने कही थी कि बॉर्डर एरियाज है वहां पर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें एक बड़े पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, और बार बार ये चिंता जताई जा रही है कि भाई घुसपैठी वहां पर आए उनको चिन्हित करिए। ऐसा नहीं है कि वोट बैंक के चक्कर में उनका आधार कार्ड राशन कार्ड बनवाते रहिए और उनको यहां पर देते रहिए कि वोट मिल जाएगा सरकार बनती रहेगी, तो ये तस्वीर नजर आ रही है उसकी। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेश में, स्पेशली असम में, वेस्ट बंगाल में, एक डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज होने की कोशिश हुई। और इसकी वजह मैं बताता हूँ हुआ क्या है कि जब बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी तो काफी इन्फिल्ट्रेशन भारत की तरफ हुआ है, और उसके कारण क्योंकि ये इकोनॉमी एक ड्रिवन था। और मगर जैसे जैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छा करने लगी, स्पेशली 15 साल से शेख हसीना के टाइम में, तो इसमें कमी आई। मगर सबसे ज्यादा हमारे को चिंता की विषय था बांग्लादेश से जो रोंगिया आए हैं, क्योंकि 10 लाख के करीब जो रोंगिया, जो कि एक प्रकार रखाइन प्रोविंस से आए थे, म्यांमार से, वो अभी कॉक्स बाजार में हैं बांग्लादेश में। मगर वो बांग्लादेश तो उनको अंदर नहीं जाने दे रहा, पर भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ एक इनमें से आ भी चुके हैं। ये पता है कि आज सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हमारे लिए रोंगियाज हैं जो कि सेटल हो गए इंक्लूडिंग जम्मू के अंदर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो तीन चीजें हमें बांग्लादेश में ध्यान रखनी, ये हमें सोच के समझना चाहिए कि आज भारत के लिए सबसे अच्छे बैठ थी शेख हसीना की गवर्नमेंट बांग्लादेश में, और बांग्लादेश और भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए हैं 15 साल में। और ये नहीं, हम जो इसमें ये भी कोई शक नहीं कि बांग्लादेश के हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर थे, बांग्लादेश और भारत के अंदर अभी मिलिट्री टू मिलिट्री भी कॉन्टेक्ट हो रहे थे। मगर जिस प्रकार से जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने आपस में गेट जोड़ किया और ISI ने इनका एक कैटलिस्ट का काम किया, ये कार्रवाई सब कुछ इसी ने किया। और कहीं ना कहीं चीन का भी फैक्टर है। अगर आप देखें कि जब शेख हसीना चीन के अंदर गई थी अभी, तो उन्होंने अपनी जो विजिट थी वो कट शॉर्ट कर दी थी, वो एक दो दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि कई बातें उनके साथ उनको ठीक नहीं लगी जो चीन के साथ। और मुझे लगता है चीन का भी इसमें जो हाथ है। ये कुछ भी कहो, आप ये समझते हो कि स्टूडेंट आक्रोश था एक जो शेख हसीना के अगेंस्ट, उसका हाँ एक हद तक था, सच्चाई है कि वो कोटा जो के अगेंस्ट था, मगर कोटा जो था वो 2018 में इन्होंने बंद कर दिया था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5% कर दिया। मगर अभी भी ये क्यों नहीं आंदोलन रुक रहा था, क्योंकि ISI और जमाते इस्लामी इसमें इन्वॉल्व थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बात कर रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, वो तो सच्चाई है, क्योंकि ये भी सच्चाई है। 23% हिंदू थे। जीजे सिंह, एक टिप्पणी आपकी भी, 8% हो गए। पाकिस्तान चीन को लेकर चुनौतियां थी, और जो बात अश्विनी शिवाजी ने कही, जो बात बख्शी सर ने कही, एक मोर्चा और जहां पर अब बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा वो है बांग्लादेश का, क्योंकि 5 राज्यों से सीमा सकती है। देखिए राकेश, सबसे जो हमें चिंता का हमारे लिए विषय है वो ये है कि मैं इसके पीछे जो भी आप अभी हम बातें कर रहे हैं, चाइना का क्या रोल है, वो क्या चाहता है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं कि चाइना की आंखें जो हैं, जो उसकी आंख है, वो बांग्लादेश की पोर्ट्स के ऊपर है, खास करके चिटागोंग और चोंगला, जो जिसको पहले हम चुलना भी कहते थे। क्यों ये है? क्योंकि जो चाइना है वो जानता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि शेख हसीना काफी कोशिश कर रही थी, और इसीलिए वो चाइना वालों को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ इसको डेट या इसको लालच दिया होगा। उसकी आंख ये है कि वो हमारे वेस्ट के अंदर गवादार में आ चुका है। श्रीलंका के अंदर हेमंतोटा की पोर्ट उसके पास, अगर वो चिटागोंग